नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं। हमारी इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर पंजाब कैबिनेट की बैठक को लेकर खबर आपको दिखा रहे हैं अपडेट के साथ। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 12 फरवरी को पंजाब विधानसभा का बजट सत्र, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में होगी 4521 भर्तियों को मंजूरी मिली है। 28 SP, 108 DSP, 164 इंस्पेक्टर, 593 सब इंस्पेक्टर और 1140 ASI की भर्ती को मंजूरी मिली है। पंजाब में वैध निर्माणों को लेकर वन टाइम सेटलमेंट बिल को मंजूरी मिली है और बिल में 30 जून 2018 तक हुए वैध निर्माण शामिल है। सभी विधायकों को अपनी अचल संपत्ति की जानकारी हर साल जनवरी में देनी होगी, ये प्रोविजन है। और पंजाब लेजिस्लेटिव एक्ट जो है 1942 में संशोधन को मंजूरी मिली है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे फिलहाल, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में 4521 भर्तियों को मंजूरी मिली है और बड़े फैसले ये लिए गए हैं। लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, 28 SP, 108 DSP, 164 इंस्पेक्टर, 593 सब इंस्पेक्टर, 1140 ASI की भर्ती को मंजूरी मिली गई है और पंजाब में अवैध निर्माणों को लेकर वन टाइम सेटलमेंट बिल को भी मंजूरी मिली है। बड़े फैसले ये लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और बिल में 30 जून 2018 तक अवैध निर्माण शामिल। सभी विधायकों को अपनी अचल संपत्ति की जानकारी हर साल जनवरी में देनी होगी। पंजाब लेजिस्लेटिव एक्ट 1942 में संशोधन को मंजूरी और 12 फरवरी को पंजाब विधानसभा का बजट सत्र, ये फाइनल हुआ है। बड़े फैसले अहम फैसले बैठक में लिए गए हैं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में 4521 भर्तियों को मंजूरी मिली है। तो एम फैसला था ये सीगा कि जिहड़ी विधानसभा का सैशन है और गवर्नर एड्रेस है उहदी एक तां मंजूरी मिली। दूसरा जिहड़ा सी कि मुलाजमान का 6% DA उहदी मंजूरी जिहड़ी है कैबिनेट ने देती। तो इस तों इलावा मैनूं लगदा छोटे छोटे मसले जिहड़े रूटीन दे एडमिनिस्ट्रेटिव मसले सी, एक तां उह जिहड़ा एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाउणा है उहदी मंजूरी आ गई। कुछ लोकल गवर्नमेंट दे जिहड़े कुछ एक मसला सी कंपाउंडिंग नॉन कंपाउंडिंग फीस दा, जिहड़ा कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, वैसे तो कैबिनेट दी अप्रूवल सी उहदे रूल्स ते ही। सो कोई बड़ा छोटा बड़ा मुख्तसर जिहा एजेंडा सीगा। विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल। विनीत, क्या कुछ खास रहा आज? बिल्कुल अमर, देखिए सीधे तौर पर आज जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें कई अहम मसौदों के ऊपर चर्चा हुई है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मसौदा था उसके अंदर सीधे तौर पर जो MLA हैं जिनके प्रॉपर्टी एसेट्स की बात निकलकर सामने आई थी और पहले इसको लेकर जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद कहते नजर आए थे कि जो प्रॉपर्टी एसेट्स हैं उसकी जानकारी जो है वो सभी MLA हर साल एक तारीख को देते नजर आए, लेकिन अब कैबिनेट में इसको आवश्यक कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से बजट सत्र आने वाला है और बजट में जो गवर्नर का एड्रेस है उसके तौर पर जो मंजूरी दी गई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो अथोराइज हैं इस बजट को लेकर, उनके द्वारा जो तथ्य फाइनलाइज किए जाएंगे उनको बजट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से पुलिस विभाग के अंदर कुछ पदों पर नियुक्तियां होनी थी तो आज उन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी गई है। साथ साथ जो कर्मचारियों की DA की किश्त है 6% को अप्रूवल दे दी गई है और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जो है उसको भी यहां पर मंजूरी दी गई है। ये वन टाइम सेटलमेंट जो पॉलिसी है ये सीधे तौर पर नॉन कंपाउंडेबल जो बिल्डिंग्स हैं उन पर लागू होगी। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला जो इसके अंदर लिया गया है कि अमृतसर जो कि होली सिटी है उसके लिए एक कह सकते हैं रेगुलराइजेशन जो अथॉरिटी है उसका गठन किया गया, इसको यहां पर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भी कई अहम फैसले जो हैं वो इस कह सकते हैं कि कैबिनेट बैठक के अंदर लिए गए हैं और सबसे बड़ा जिस तरह से अमृतसर को लेकर वेल प्लान्ड सिटी बनाने का पहले से ही प्रोग्राम था तो जो अथोराइज रेगुलराइजेशन की बात निकलकर सामने आई है तो ये उसी दिशा में संकेत करता नजर आ रहा है। और भी कई अहम मसौदे हैं जिन पर इस बैठक के अंदर चर्चा हुई है क्योंकि कैबिनेट का जो इजलास है वो आने वाला है और इस इजलास में कुछ रिपोर्टें जो हैं कुछ बिल जो हैं
वो पेश किए जाने हैं, तो एक और कैबिनेट बैठक जो है वो इजलास से पहले हो सकती है जिसमें तमाम मसौदों पर चर्चा होकर उनको हरिजंडी देने का काम किया जाए। जी 6% डीए कैश को लेकर भी इन्होंने मंजूरी दी है और कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की गई है। वहीं ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को लेकर मनप्रीत का ये कहना है कि कोई नई भर्ती फिलहाल नहीं होगी। अतिरिक्त बोझ न पड़े जनता को शायद इसलिए। देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मामले में जरूर उन्होंने ये कहा है कि नई भर्ती नहीं होगी, लेकिन कुछ सैंक्शन पोस्ट जो हैं उनको जरूर मंजूरी दी गई है। 4200 के आसपास कुछ सैंक्शन पोस्ट हैं जिनको आज की कैबिनेट बैठक के अंदर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया था पत्रकारों के लिए 12,000 रुपए, जो वेटरन जर्नलिस्ट है उनके लिए 12,000 रुपए पेंशन की घोषणा की गई थी, तो आज उसको भी कैबिनेट मीटिंग के अंदर मंजूरी दे दी गई है। सैद्धांतिक तौर पर उसको भी मंजूरी दी गई है। और इसी तरह से जिस तरह से आप बात कर रहे थे 4251 न्यू पोस्ट यहां पर क्रिएट की गई हैं और ये सेपरेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन लाइन विद एससी ऑर्डर, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस थी, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे, उसी के आधार पर अब ये नियुक्तियां होती नजर आएंगी, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जो विभिन्न मामले चल रहे हैं उनकी बतौर इन्वेस्टिगेशन में इनकी शमूलियत रहेगी इन अधिकारियों की, और साथ साथ जो कह सकते हैं काफी लंबे मामले, काफी लंबित मामले चलते नजर आ रहे हैं, तो उन पर भी ये अपना ध्यान केंद्रित करते नजर आएंगे। जी मेरी दूसरी तरफ बजट को लेकर सबकी नजर है, कहा जा रहा है कि आम जन को देखते हुए, किसानों को देखते हुए और नौकरी पेशा लोगों को ध्यान में रखते हुए, ताकि उन पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इस तरह से टैक्स का ढांचा रख सकेगी, तो एक चुनावी बजट भी कह सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, और बिल्कुल इस पर मंथन के बाद ऐलान होने की और बड़ी छूट की संभावना। बहुत सी उम्मीदें जो है वो कर्मचारी वर्ग के साथ साथ किसान वर्ग भी लगा के बैठा हुआ है, इसके अलावा कई अलग तबके जो है वो इस बजट से खासी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर उनका कहना है कि पिछले जो विधानसभा के चुनाव रहे हैं उसमें जो कैप्टन सरकार ने वादे किए थे उन वादों पर अमलीजामा पहनाने के लिए ये जो बजट है ये किफायती साबित हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट पेश किया जा रहा है और इससे पहले जिस तरह से केंद्र का बजट आया उसमें भी कई लोक लुभावन जो स्कीमें हैं वो शुरू की गई और ग्राउंड लेवल पर हालांकि उस बजट के अंदर काम किया गया था, तो यहाँ पर कैप्टन सरकार के बजट से जो पंजाब वासी है उनको काफी उम्मीद है। देखना होगा कितना खरा उन उम्मीदों पर ये बजट रहता है, क्योंकि सीधे तौर पर एक और तो वित्त मंत्री वित्तीय घाटा भी दिखाते नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में किए जो वादे थे उनको पूरे करने की भी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और वित्त मंत्री के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि उन वादों के अनुरूप ये बजट रहता है और क्या इसमें कोई नई योजनाओं को भी शामिल किया जाता है या फिर वित्तीय घाटा दिखाते हुए यहाँ पर भी पंजाब सरकार जो है एक आम बजट जो सामान्य तौर पर पेश किया जाता है उसी तरह का बजट पेश करती हुई नजर आएगी। जी ठीक है, धन्यवाद आपका। तो विनीत हमारे संवाददाता फिलहाल जानकारी दे रहे थे, तो तमाम ये चीजें हैं जो आप देख रहे हैं और विधायकों के लिए भी अब ये कहा गया है कि आप अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देंगे और वो भी जनवरी में, और तमाम ऐसी चीजें लगातार आप देख रहे हैं।